हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम देखेंगे एग्जांपल 5 से, है ना। कंसीडर द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एट एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, एक्स इक्वल्स टू 2 में इसका वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर एफ ऑफ लिमिट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 12 है ना। ये 12 निकल जाएगा। किस तरीके से निकल जाएगा, यहाँ पर x x इक्वल्स टू 2 में, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर, है ना, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 10। एक्स प्लस 10 ये तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, है ना। आएगा तो इस तरीके से कर लीजिए, बहुत इजी है। ये एक्स की वैल्यू के जगह पर 2 लिख दीजिए, तो 2 प्लस 10 दिस इज इक्वल्स टू 12, है ना। तो यहाँ पर भी 12 आ गया। तो फाइंड द लिमिट, फाइंड द लिमिट करने के लिए बोले हैं, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं, है ना, इसको अगर आप लोग स्किप करते हैं तो ही अच्छा होगा। उसके बाद देखिए एग्जांपल 6। कंसीडर द फंक्शन एफ डिफाइंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एट एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू 1 में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1, एक्स टेंस टू 1, है ना, एक्स इक्वल्स टू 1 में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, ये एक्स क्यूब है, तो 1 का क्यूब दिस इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद देखिए इसका वैल्यू देखिए, ये इक्वल टू 1। एग्जांपल 7। कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x। लेट अस ट्राई द फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एक्स इक्वल्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x। देखिए लिमिट ex 7, लिमिट x टेंस टू 2, है ना, x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x, लिमिट x टेंस टू ये 1 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर 2x है, है ना, 2x, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखना था तो 1 रख दीजिए, 2 इंटू 1 दिस इज इक्वल्स टू 2। ईजी लग रहा है ना ये। इसी तरीके से तो आप लोगों ने 12th में या 10+2 जो भी आप बोलते हैं इसी तरीके से किए थे, है ना, यही ईजी है। अभी एग्जांपल 8 देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा समझने का ज़रूरत है कि बॉक्स एक्स क्या होता है। चेक द एग्जिस्टेंस लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 बॉक्स एक्स वेयर बॉक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द वैल्यू ऑफ बॉक्स एक्स इज द लार्जेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू एक्स का जो वैल्यू है, है ना, ये है। तो इसका जो लिमिट है ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, है ना। उसके बाद E2 देख लीजिए। फाइंड द फॉलोइंग लिमिट्स। कंसीडर द कॉन्स्टेंट फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3। फाइंड द लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो एक्स इक्वल्स टू 2 में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये 3 ही आ जाएगा, है ना। लिमिट की वैल्यू तो हमेशा 3 आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन जो है ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, है ना। तो अभी लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू ही नहीं है, तो ये 3 आ जाएगा हमेशा, है ना। कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये जो बुक का आंसर है ना, बुक में आंसर, बुक के आंसर में इसका जो ग्राफ है, सभी का ग्राफ अगर गिवन है वो ग्राफ आप लोग देख लीजिएगा। ग्राफ को थोड़ा सा याद रखना है ना। तो फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आप लोग इसका वैल्यू लिख दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स। तो ये कौन सा है, E2 नंबर 2, है ना। एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स,
दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक्स की जगह पर वन पुट कर दीजिए, वन का स्क्वायर प्लस वन, दिस इज वन प्लस वन इक्वल्स टू टू। देखिए ये टू आ जाएगा। बुक में जो आंसर गिवेन है ना, वहाँ पर जो भी आप लोगों को ये जो टेबल करके दिया हुआ है, मैं पहले जो टेबल किया हुआ था है ना, पहले वाले जो हम एग्जांपल देखे उस तरीके से यहाँ पर किया हुआ है बुक में, और बुक में भी इसका वैल्यू जो है नंबर टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वन, मतलब एफ ऑफ वन की जो वैल्यू है वही है, तो इसीलिए तो एफ ऑफ वन मतलब एक्स की जगह पर वन पुट कर दीजिए तो टू आ जाएगा, टू ही है इसका वैल्यू है ना। कंसीडर द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस कॉस एक्स, तो फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स। तो नंबर थ्री, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, एक्स क्या एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एक्स की वैल्यू जीरो प्लस कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो दिस इज इक्वल्स टू वन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इन्वेस्टिगेट लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ई थ्री लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट, हाँ लिमिट एक्स टेंस टू टू ये तो गिवन ही है, तो दिस इज इक्वल्स टू टू स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, दिस इज इक्वल्स टू फोर माइनस टू प्लस वन, तो टू प्लस वन दिस इज इक्वल्स टू थ्री, है ना। ई थ्री इसका वैल्यू आ गया आपका थ्री। उसके बाद देखिए ई फोर, सॉरी ई थ्री, ई फोर इवेल्यूट लिमिट एक्स टेंस टू टू वन बाय एक्स का स्क्वायर, ई फोर लिमिट x टेंस टू टू वन बाई एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर x की वैल्यू टू पुट कर दीजिए तो वन बाई टू स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू वन बाई फाइव, सॉरी वन बाई फोर, फाइव लिख रही हूँ, वन बाई फोर है ना। तो बुक में जो आंसर गिवेन है यहाँ पर लिख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो वन बाई एक्स का स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट, तो अगर यहाँ पर जीरो हो जाए तो वन बाई जीरो तो इन्फिनिटिव हो रहा है ना, तो इसका वैल्यू तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसीलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, पर हमें तो गिवन है एक्स टेंस टू टू है ना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा वन बाई फोर। बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या है एक्स टेंस टू टू, और देखिए बुक का जो आंसर है, आंसर में क्या दिया हुआ एक्स टेंस टू जीरो है ना, तो इसीलिए बुक का आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। घबराने की कोई बात नहीं है, बुक में इस तरीके से क्वेश्चन को क्यों सॉल्व किया है मुझे पता नहीं है, पर गलत दिया हुआ है यहाँ पर है। फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, वेयर यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट जो है ये तो इक्वल नहीं है, है ना। देखिए यहाँ पर फंक्शन का जो मतलब x x की जीरो x की मतलब x माइनस में फंक्शन का वैल्यू x माइनस टू आ जाएगा, और x प्लस में फंक्शन का वैल्यू x प्लस टू आ जाएगा, तो ये फंक्शन इसका तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, है ना। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट आर नॉट इक्वल, चेक वेदर द फॉलोइंग लिमिट्स एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है ना। तो ये एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दिखाएंगे कि इक्वल है या नहीं, ठीक है ना। तो ई सिक्स, लिमिट एक्स टेंस टू वन, लिमिट एक्स टेंस टू वन है ना, तो वन प्लस में देखेंगे और माइनस में देखेंगे, तो प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस वन, तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन, तो ये तो पॉजिटिव ही आ जाएगा है ना, तो लिमिट
एक्स टेंस टू वन प्लस, तो मॉड्यूलस का वैल्यू तो हमें पता है ना, माइनस ऑफ एक्स कहाँ पर, अगर माइनस ऑफ एक्स रहे तो माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये तो प्लस का ही है, प्लस का है एक्स एक्स माइनस वन, तो यहाँ पर भी एक्स माइनस वन आ जाएगा मॉड के बाहर, है ना। तो एक्स माइनस वन, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लिए हैं, लेफ्ट हैंड मतलब इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस, तो माइनस में जब हम इसका वैल्यू लेंगे, है ना, एक्स की वैल्यू अगर वन माइनस वन से छोटी आ जाए तो इसका वैल्यू जो है, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू मान लीजिए जीरो आ गया, तो ये तो माइनस वन आ गया, है ना। देखिए ये मॉड का वैल्यू तब क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, मॉड के अंदर का वैल्यू तभी क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना ये बात। देखिए ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वन और ये एक्स माइनस वन, तो दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, माइनस का वन, है ना। और उसके बाद देखिए राइट हैंड साइड लिमिट, ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस यहाँ पर वन माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पर एक्स माइनस वन लिमिट एक्स टेंस टू एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पर सेकेंड वाला लाइन में लिमिट नहीं होगा क्योंकि लिमिट का हम वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, इसका तो हम थोड़ा सा देख रहे हैं, यहाँ पर लिमिट होगा, है ना, एक्स टेंस टू, यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू हम चेक कर रहे थे, है ना, तो यहाँ पर मॉड्यूलस का वैल्यू क्या हो जाएगा ये चेक कर रहे थे, तो यहाँ पर लिमिट का वैल्यू होगा एक्स माइनस वन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस ये वन आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा वन। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या आ रहा है, माइनस वन, और राइट हैंड साइड लिमिट आ रहा है प्लस वन, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ये नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट, तो ये द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो बाकी जो बॉक्स एक्स है, बॉक्स एक्स तो एंड ये जो ई सेवन है ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं इसको हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो हमें गिवन है यहाँ पर, जो लिमिट का डेफिनेशन गिवन है ना, इस डेफिनेशन से हम करेंगे, तो इस डेफिनेशन से हम ये ई सेवन कर लेंगे और ई सिक्स का नंबर टू कर लेंगे, है ना, नंबर टू को देखेंगे कि बॉक्स एक्स जो है ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, पहले हम ये लिमिट का जो डेफिनेशन है, ठीक है ना, इस डेफिनेशन से मैथ आता है, मतलब एग्जाम में जो मैथ दिए जाते हैं कि लिमिट का डेफिनेशन से आप लोग ये लिमिट को सॉल्व कीजिए, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन से पार्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है या फिर समझ में आ रहा है या नहीं, हैंड राइटिंग वगैरह ठीक है या नहीं, ठीक है ना। और फिर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, ठीक है ना। थैंक यू।